आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। लखीमपुर खीरी के थाना पलिया कला के श्रीनगर गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में खुखार बदमाश घनश्याम और दद्दा के साथ अमल को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास एक बाइक व पिस्टल, एक तमंचा, कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही बदमाश घनश्याम के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं और काफ़ी अरसे से इसकी पुलिस को तलाश थी। बदमाश घनश्याम थाना मैगलगंज लखीमपुर खीरी का ही निवासी है। सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग होने लगी और फायरिंग में 25,000 का इनामिया बदमाश घनश्याम घायल हो गया। साथ ही मुठभेड़ में इस पड़िया कला दीपक शुक्ल भी घायल हो गए। पुलिस को जानकारी मिली कि श्रीनगर गांव के पास बदमाश है। पुलिस और क्राइम टीम के साथ जब मौके पर पहुंचे तब बदमाश गोलीबारी करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई, वही दूसरे बदमाश अमल को पुलिस ने पकड़ लिया। इस मुठभेड़ में पड़िया कला के एसओ के हाथ में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गए। थाना पलिया क्षेत्र में देर रात पुलिस पार्टी और बदमाशों के बीच में भीड़ हुई है जिसमें दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश को एक्सचेंज ऑफ फायर में, जो जिसका नाम घनश्याम है और ये 25,000 रुपये का इनाम जनपद स्तर पर इसका डिक्लेयर था। 17 मुकदमे सभी गंभीर अपराधों के इसके विरुद्ध दर्ज हैं और थाना फूलविहट और मोहंदी से ये वर्तमान में वहाँ वांछित चल रहा था। पुलिस ने घेराबंदी करके जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका जिस पर हमारे प्रभारी निरीक्षक पलिया को भी चोटें आई हैं। उनका उपचार स्थानीय अस्पताल से वहाँ कराया जा रहा है।